हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं महिलाओं की कट ऑफ के बारे में। महिलाओं की कट ऑफ कितनी जा सकती है? चलो तो दोस्तों हम बता दें, देरी ना करते हुए हम आपको बता दें कितनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों पहले थोड़ी बेसिक चर्चा कर लेते हैं। ये 49,568 पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इस भर्ती में टोटल सिविल पुलिस के जो पद हैं वो 31,360 हैं, वो आपको पता है, जिनमें जनरल वालों के 15,681, ओबीसी वालों के 8,467, एससी वालों के 6,585 और एसटी वालों के 627 पद। उसी प्रकार से पीएससी की बात कर लेते हैं। पीएससी में टोटल पद 18,208 हैं, जिनमें जनरल वालों के 9,104 हैं, ओबीसी वालों के 4,916 हैं और एससी वालों के 3,824 हैं और उसी एसटी वालों के 364, यानी कि 364 पद हैं। तो ये तो हो गए सिविल पुलिस और पीएससी के पद। अब टोटल पद बात कर लेते हैं सिविल पुलिस और पीएससी के बारे में। तो सिविल पुलिस और पीएससी के पद दोनों मिक्स करके अगर जनरल की बात कर जाए तो टोटल है 24,785, ओबीसी के हैं 13,383 और एससी वालों के हैं 10,409 और एसटी वालों के 991 पद। तो दोस्तों ये तो है टोटल पद। अब इनमें महिलाओं के पद, महिलाएं सिविल पुलिस में जाती हैं, आपको पता है पीएससी में नहीं जाती। तो सिविल पुलिस के जो पद है 31,360 में महिलाओं का जो आरक्षण है वो 20% के हिसाब से 20% जो उनका है 20% के हिसाब से उनके टोटल 31,360 में से 20% के हिसाब से निकाल दिए जाएँ तो उनके 6,272 पद निकलते हैं जिन्हों पे उनकी मेरिट बननी है। उसी प्रकार हम थोड़े से और चर्चा कर लेते हैं। हमारे होमगार्ड, स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व और स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं। इनका आरक्षण 2% है, जिन्हें 2% ये सिविल पुलिस के पदों से ही निकलते हैं, ये पीएससी से नहीं जाते। तो इनका 2% के हिसाब से ये सिविल पुलिस और पीएससी दोनों से जाते हैं इनके पद। तो इनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये पीएससी और सिविल दोनों से जाएंगे, तो इनके 2% के हिसाब से निकाल दिए जाए इनके पद 991 पद। उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक ये 5%, इन्हें भी निकाल दो सिविल पुलिस और पीएससी दोनों से, इनके भी दोनों से निकाल दो तो 2,778 लगभग इनके निकलते हैं। उसी प्रकार से अब होमगार्ड तो सिविल पुलिस से जाते हैं, आपको बताया ये 5% का कोटा है। उसी प्रकार 5% निकाल दो तो 1,568 इनके पद हैं। उसी प्रकार महिला भी निकाल दो, महिला भी सिविल पुलिस से जाती हैं, महिला सिविल पुलिस से जाएंगी, इनका 20% आरक्षण है और 31,360 में से अगर इन्हें निकाल दो तो इनके 6,272 पद इनके निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी कट ऑफ के बारे में। चलो कट ऑफ की तरफ बात करते हैं इनकी कट ऑफ में। अब इनकी कट ऑफ जो बनने वाली है, हम आपको बता दें जो जनरल कैटेगरी जो महिला हैं वो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो सेफ हैं और एससी वाली भी सेफ है, एसटी वाली थोड़ी दिक्कत आएगी ओबीसी वाली महिलाओं के लिए, क्योंकि पिछली भर्ती में उन्हें बहुत दिक्कत आई थी, उनके ज़्यादा हाइट मेरिट भी अप जाती है, इसी से उन्हें उनके लिए दिक्कत है। बाकी और जो कैटेगरी की हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए अब बात कर लेते हैं महिलाओं की कट ऑफ के बारे में। महिलाओं की कट ऑफ लगभग जो हमारा अनुमान है वो है जनरल वालों जो महिला हैं, जनरल वालों की जो लगेगी वो 168 से 150 के बीच में समथिंग इनकी मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब ओबीसी वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ओबीसी के जो मेरिट कट ऑफ जा सकती है वो 197 से लेकर 98 के आसपास इनकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं एससी वालों की बात। एससी वालों की 144 से 145 के आसपास इनकी कट ऑफ जाएगी। और अब बताते हैं एसटी वालों के 90 से 92 सिर्फ इतने ही नंबर पर इनकी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों ये एक अनुमान ही होता है, हम आपको जो बता सकते हैं हमारे हमें कहीं से पता चलता है, हम सब कुछ आंकड़े लगा कर आपको बताते हैं, तो एक अनुमान ही होता है ये। हम अब आपको क्लियर तो पीएस वहाँ से लखनऊ से ही
पता चलेगा जब मैरिज आएगी, वो भी पहले नहीं बता सकते, तो ये सब गुप्त होता है। अब ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े लगभग हमारे ठीक ही हैं, आप इससे ज़्यादा वो नहीं करें। तो महिलाएं बहुत परेशान थी, उसके लिए हमने बता दिया। और जितने हमने कल एक वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ पुरुषों की बात करी थी, तो जितने हमने पुरुषों के लिए बताया वो एकदम फिट रहें, मेडिकल की तैयारी करें। हम मेडिकल पर जाने से बहुत से हैं मेडिकल के डरते हैं, हम उनका डर दूर करेंगे, एक वीडियो फिर लाएंगे मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल की ऐसी सटीक जानकारी देंगे आपको डर ख़त्म। इसलिए आप हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो बहुत आपने लाइक देखी थी बहुत लोगों ने, ऐसे ही वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू, अगली वीडियो अब आपके मनोबल बढ़ाने के लिए हम उस पर मेडिकल पर वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल को ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हम आपको बहुत ईजी तरीक़ा से बताएँ, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की बातों में ना आए, अपनी वर्दी तैयार करें, वर्दी पहनें मेरी तरह आओ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, बाय दोस्तों।